और इंडिया आईटी के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है इस वक्त, क्योंकि आप देखें गूगल का हेड ऑफिस भी उधर ही है और जो सीईओ है एशिया में वो भी इंडिया का ही है। तो आईटी में उन लोगों ने बहुत काम किया है और इसी वजह से जो उनका जो ई कॉमर्स का जो हब है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। इट्स अ गुड इनिशिएटिव फॉर इंडिया एंड हमें पाकिस्तान को चाहिए कि ये इनिशिएटिव ले लें, क्योंकि हमारी यूथ बहुत इंक्रीज कर रही है एज इन टेक्नोलॉजी वाइज। और वहाँ पे किसी भी सेलुलर नेटवर्क ने इसको स्टार्ट किया तो जारी बात है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है 4G भी वहाँ पर पहले आया था, 3G भी पहले आया था, तो अब 5G भी जारी बात उनके पास पहले आएगा। यहाँ पर तो अभी मेरे ख्याल से किसी भी सेलुलर कंपनी के पास 5G लाइसेंस है ही नहीं। इंडिया का 5G देख के ना पाकिस्तान की जल रही है। क्यों जल रही है इन पाकिस्तानियों की, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बड़ी आग लग रही है इंडिया की तरक्की देख के, उन्हें जो है इंडिया को फॉलो करने की आदत सी हो गई है। जो भी चीज़ इंडिया में होती है कुछ दिनों बाद उनको भी चाहिए होती है, उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। तो आज इसी वीडियो के बारे में आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, वीडियो बात करने वाले हैं और देखने वाले कि पाकिस्तान के लोगों को जब बताया गया कि इंडिया जो है बहुत ही 5G में IT क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है तो उनका क्या रिएक्शन रहा इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। 5G ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारे यहाँ तो है नहीं, इंडिया में होंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे 5G की जो हमेशा इनको इंडिया से ही सीखना होता है उसकी क्या स्पीड है, लेकिन जो इंडिया करता है वही करना होता है। स्पीड उससे बेहतर हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होगी और यूज़र्स जो हैं वो जारी सी बात है उन्हें बेहतर चीज़ें मिलेंगी। डाउनलोडिंग चाहिए भाई इनको। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि हमारे मुल्क में भी इस चीज़ की होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। मैं ये कहूँगा कि जितने ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हर चीज़ की कस्टमर को और ये रिक्वायरमेंट, जैसे कि हर छोटी से छोटी इंटरनेट की सहूलियात के लिए मुहैया होनी चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में अभी तक तो 4G चल रहा है, यहाँ पे तो अगर आप रूम में भी जाएंगे तो वहाँ पर LTE आएगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर HP नहीं आता। तो 2G की बात कर रहे हैं भाई, 4G 5G यहाँ पर तो हमारी ये चीज चल रही है। और अगर इंडिया में ये चीज चल रही है तो हमें ये चाहिए कि हमें कुछ सीखना चाहिए दूसरों से। बिल्कुल, दूसरों से नहीं भाई, इंडिया से सीख लो, तुम तुम्हारा बन जाएगा काम। रिलेटेड से ले और इन टेक्नोलॉजीज को लेकर हम भी अपनी यानी कि सनत में अहम किरदार अदा करें। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तो हो गई हुई है, US के अंदर हो गई है, UK के अंदर हो गई हुई है, इंडिया के अंदर अगर 5G आ गया तो मेरा तो ख्याल है कि यहाँ के ऊपर भी ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इवन यहाँ पे 4G अभी हमारा सही से नहीं चल रहा, इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर, तो अगर 5G का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इट विल बूस्ट द इकॉनमी एज वेल। इकोनॉमी की बात होती है ना, बार बार इकोनॉमी उठानी होती है, लेकिन इनकी सरकारें है ना, पाकिस्तान जो एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री सॉरी, और इंडिया आईटी के लिहाज से आगे निकल चुका है इस वक्त, क्योंकि आप देखें गूगल का हेड ऑफिस भी उधर ही है और जो CEO है एशिया में वो भी इंडिया का ही है। तो आईटी में उन लोगों ने बहुत काम किया है और इसी वजह से जो उनका जो ई कॉमर्स का जो हब है वो पाकिस्तान से बहुत आगे, बहुत ज्यादा, और दुनिया की फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, कोरोना लॉकडाउन में जो सिचुएशन है वो ई कॉमर्स बेस्ड है सारी, और एक और फिफ्थ जनरेशन जो इंडिया में आ रही है, अच्छी बात है, पाकिस्तान को भी ट्राई करना चाहिए। पाकिस्तान अगर करेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सकता है इससे। इंडिया वैसे भी हमसे काफ़ी आगे हर चीज़ में, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, बॉलीवुड सब में आ गया है, तो उसमें चला भी गया तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, हम भी कोशिश करेंगे हम भी वहाँ तक पहुँचे। टेंशन ही नहीं है भाई, इनको कोई टेंशन ही नहीं है कि आजकल जो सिचुएशन है कोविड की वजह से, जहाँ हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, स्टडीज भी और बाकी सब कुछ भी, तो उसमें एक अच्छा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंडिया की ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अच्छी है वो और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं तो ये होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन हमारा ऑलरेडी 4G इतना ऑप्टिमल नहीं चल रहा, तो पहले हमें इम्प्रूव करना चाहिए, 5G को लाना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली मैंने भी सुना है कि इन्होंने ट्रायल कर लिया, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फॉर इंडिया एंड हमें पाकिस्तान को चाहिए कि ये इनिशिएटिव ले लें, क्योंकि हमारी यूथ बहुत इंक्रीज कर रही है एज इन टेक्नोलॉजी वाइज और डिफरेंट चीज़ों में काफ़ी हमारी यूथ आगे जा रही है, तो हमें इंटरनेट की ऑब्वियसली ज़रूरत होती है काम शाम के लिए, तो अगर 5G हो जाएगा तो इट्स गोना बी बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फॉर पाकिस्तान। अच्छी बात है, वो जो टेक्नोलॉजी है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर उन्होंने शुरू की है तो उसके साथ देखते हैं, अगर मुस्बत आते हैं तो बाकी ममालिक में भी होना चाहिए, अगर पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। अगर उन्होंने 5G की स्टार्ट कर दी है तो वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि अगर 5G पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो जाए तो बेहतर है। इंडिया ने इस 5G की ट्रायल की शुरुआत जो की है उसमें उन्होंने तमाम चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है ना बैन कर दिया है, यानी कि उसमें चाइनीज़ कोई भी कंपनी अलाउ नहीं होगी, ठीक है, चाइना की कोई भगा दिया इंडिया ने लात मार के ट्रायल में, ठीक है। क्या इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट? अरे बिल्कुल यार,
देखें, अगर इंडिया एक साइड से मदद लेना छोड़ता तो उसको अमेरिका, इसराइल जो से उसका बेस्ट फ्रेंड है वहाँ से उसको इसराइल बेस्ट फ्रेंड है, सुन रहे हो? अगर आप कभी गौर करेंगे तो इसराइल हमेशा जो सा किसी भी अपनी चीज़ को शो कराएगा तो वो इस तरह शो करवाता है, यानी कि उसकी एक टेक्नोलॉजी की आँख है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो चाइना की मदद नहीं भी लेता तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि इसराइल से बेनिफिट ले सकता है और जो अमेरिका इस टाइम सुपर पावर जा रही है वो उससे मदद ले सकता है। इस टाइम जो इसराइल है उसके पास ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज़ है और अमेरिका के पास इस टाइम बेटर टेक्नोलॉजीज़ है, तो अगर इंडिया चाइना की हेल्प ना ले तो उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे अब आपको पता है चाइना और इंडिया का जो इशू चल रहा है यहाँ पे अभी भी जो है उनकी बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे वॉर्स वगैरह का इशू है, झड़पें चल रही हैं, सारा कुछ इशू है। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो इशू उनको पाकिस्तान से भी है कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर वो उसको उस तरह से नहीं इसको लेके आना चाह रहे, ये ना हो कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर यूज़ कर रही है वो चाइना यहाँ पे पाकिस्तान में भी इनको इंट्रोड्यूस करवा दे। इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट हो रहा है, बिल्कुल इंडिया हमेशा से सेल्फ रिलायंट रहा है, उसको तो आपको पता है हमेशा से उसको इशू रहा है चाइना के साथ भी रहा है, पाकिस्तान के साथ भी रहा है, और उसकी अपनी इस वक्त यही होगी कि मेरी अपनी डिपेंडेंसी रहे और इस रीजन के अंदर जो है 5G को डोमिनेट वो करे यहाँ पे। ऐसे बैन किसी भी चीज़ को कभी नहीं करना चाहिए, आपको हर चीज़ से जो फ़ायदा या जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कभी किसी चीज़ से मिल रहा हो वो हमेशा लेना चाहिए, चाहे वो चाइनीज़ कंपनीज हैं या पाकिस्तान में, ये भाई हम अपना खुद कर लेंगे, हमें चाइना की जरूरत नहीं है, हमें करके अपने आपको एडवांस करना चाहिए। मैडम बोल रही है कि फायदा भी है तो ले लो, खुद को पीछे क्या जाता है, बैन मत करो किसी को। अगर वो लोग 5G कर ही रहे हैं इंट्रोड्यूस, गुड फॉर देम, अगर वो किसी चीज को बैन नहीं करते तो सबका फायदा होगा, मेरे ख्याल से बैन करना इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। क्या इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट होता जा रहा? मे बी, आई डोंट नो। चाइना की जहाँ तक बात है, चाइना जो है इस वक्त ट्रेड में और ई कॉमर्स और IT में वो दुनिया में एक अपना एक मुकाम बना रहा है, और वो इस वक्त अमेरिका का जो है सुपर पावर जो है इस वर्ल्ड की, वो उसको कम्पीट कर रहा है इस वक्त। और इंडिया के, क्योंकि इंडिया की ये एक प्रॉब्लम है कि वो अपने हमसायों के साथ बना के नहीं रखता, उसने एक चौथी जगह जाके उसने एक अपना एक सिस्टम बनाया हुआ दोस्ती का, कि मतलब अपने अपने साथ वाले घर वाले को नहीं दोस्त बनाना, आपने समनाबाद से स्कीम मोड तक चले जाना है अपने। तो लेकिन चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बताया भाई रिलेशन कैसे है, चाइना के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका का जो कंपटीटर है वो इस वक्त इस खत्ते के अंदर चाइना, तो इसलिए इंडिया की और चाइना की आपस में नहीं बनती। लेकिन चाइना सुनने में आया कि 5G से भी आगे जा रहा है। आई गेस कंट्रीज़ को बैन करना अच्छी बात नहीं है, कि कंट्रीज़ का साथ रहना चाहिए, और इसी चीज़ों पर फ़ायदा होगा कि अगर हम अपनी सर्विसेज उनको देंगे कंट्री टू कंट्री तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये हमें इससे भी ये सीखना चाहिए, अगर पाकिस्तान 5G इनिशिएटिव लाता है तो वो किसी कंट्री को बैन ना करे इस चीज़ में। का एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा से चाइना के साथ, और क्योंकि एक उनका जब एक रिफ्ट है तो वो किसी भी पॉपुलर परसेप्शन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और ऑब्वियसली हर उनका एक डिसीजन है। व्हाट कैन वी से अबाउट दैट? नहीं कह सकते भाई, तुम्हें नहीं कहना चाहिए इसके बारे में। वो चाइना का और उनका आपस का मामला है, वो आपको पता है सियासत बीच में आती है और कॉन्ट्रडिक्शन उनका पैदा हो जाता है आपस में। तुम्हारी सियासत ने तो मरवा डाला भाई तुम लोगों को। यहाँ पे 5G लॉन्च करना चाहेगा तो चाइना हमारा क्या कहा जाता है कि ब्रदर कंट्री है, तो हम तो जरूर यूज करेंगे और एंटरटेनमेंट हासिल करेंगे। एंटरटेनमेंट चाहिए यार इनको, यार देखो पूरी दुनिया 5G की बातें कर रही है, ठीक है, और पाकिस्तान में 4G भी ठीक से नहीं चल रहा, क्या कहें? ये जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि 4G का ही ऑलरेडी इशू आ रहा है और दुनिया जो है आगे की तरफ जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको पता है हमारा ट्रेंड ये होता है कि एक स्टेप आगे लेने के बजाय हम 3 स्टेप पीछे ले लेते हैं। या पाकिस्तान की बात बात है भाई, कोरोना आया लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, वो तो कह रहे थे कि ये तो कोरोना जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई गई बीमारी है। लोगों को जब तक यहाँ पे 3-4 मौतें ना हो जाने ये समझ नहीं आती, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। इसको बता रहा है आवाम को शऊर की जरूरत है, फिर IT की जरूरत है, पहले देश को संभालो फिर IT देखें क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान को IT में काम करना चाहिए। फास्ट यूनिवर्सिटी बनी पाकिस्तान के अंदर, उसने एक बहुत अच्छा एक रोल एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया नौजवानों को, वहाँ से एक बहुत 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 बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT स्पेशलिस्ट निकले, लेकिन वो भी ब्रेन ड्रेन से बाहर चले गए। पाकिस्तान में उन्होंने एक जॉब करना इसलिए गौराना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 3G नहीं से इतना चल रहा, और पाकिस्तान में IT के उस वक्त गवर्नमेंट भी कोई स्टेप नहीं ले रही। 5G चाहिए इनको, इनका 3G ठीक नहीं चल रहा है। 5G लेके आइए पाकिस्तान के अंदर, चाइना हमारा हमसाया है, हमें उससे एक मॉडल लेना चाहिए था। जो कुछ करेगा चाइना ही करेगा भाई, इनके लिए इन्हें कुछ नहीं करना जीवन में, चाइना पापा करके देंगे इनको। जो है वो भी इसीलिए इसी चीजों में फंसा हुआ, कोरोना है कि नहीं है, यहाँ पे अभी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, जो कौम अभी चीनी और आटे में फंसी हो ना वो अभी टेक्नोलॉजी तक नहीं जा सकती। ये बिल्कुल सही बात बोली भाई, क्योंकि अभी आपने चीनी और आटे पे इनके झगड़ा होता रहता है। मैं
कहूँगा कि उनके तो कई तरह के बैन वगैरह चल रहे हैं कि इनका जैज कैश वगैरह ऑफ करने लगे हैं। हमारे ये बेसिकली ये है कि यहाँ पर हर चीज़ की सहूलियात ये है कि बहुत देर से मुहैया होती हैं। मींस के अगर हमारे पास कोई आईफोन आ गया, पहले सबसे पहले आईफोन आ गया, मान नहीं सकते, देख कर हमारे यहाँ पे मुतारफ करते हैं लोग के जी हाँ ये वहाँ पे बैठ चली आप इधर चलेगी, तो हम देखे दूसरों को देख कर कॉपी करते हैं। हम ये नहीं कि हम इंसान से बोलते हैं जो कॉपी करते हैं इस चीज़ का। हमारे अगर इधर लोग क्या कहते हैं कुछ सीखता, इतनी अपॉर्चुनिटी हुकूमत उसको मुहैया नहीं करती कि वो आ गया टैलेंट, तो हुकूमत को ये चाहिए, मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे टैलेंटेड को और ऐसे जो से सजेस्ट आपको करते हैं, सजेशन देते हैं कि आपकी ये आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है, तो आपको चाहिए कि इसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें और इनको आगे निकलें। लंबा बात है, हम लोग हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा एज लॉन्ग एज हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा पीछे है लोग, डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, एज लॉन्ग एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड इट डजंट मैटर इवन इफ यू आर स्लोअर, जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। 4G पाकिस्तान में ठीक चलता है, लेकिन इनका चल रहा है टावर के पास कर लगता है मोबाइल पे, जिस तरह से अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स है उसमें MM वेव है जो भाई अमेरिका के फोन्स में आता है। अबे भाई अमेरिका के फोन है यार, जो आप फोन यूज करेंगे वो यहाँ पे आपको 4G की भी स्पीड अच्छी देगा। अब इसको एप्पल लेना पड़ेगा, नहीं लेना नहीं, गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता, डेफिनेटली नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जो फोन आ रहे हैं गरीब लोगों के लिए वो 5G सपोर्टेड भी नहीं आ रहे, तो भाई इनकी बातें सुन सुन के ना इतनी हंसी आ जाती है। फोन आने चाहिए जो कि गरीब इंसान भी 10,000 से 15,000 में खरीद सके, फिर ही 5G यूज करने का मजा आएगा, नहीं तो एक चंद लोगों के हाथ में ही रह जाएगा 5G यहाँ पे जी। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो भाई आपने देखा वीडियो में कि पाकिस्तान के अंदर 5G की बातें कर रहे हैं लोग, मतलब उनका वहाँ पे लोग बोल रहे हैं हमारा 3G अच्छा नहीं चल रहा है यार, तुम 5G की बातें करते हो, आटे दाल के भाव हमसे संभल रही है, तुम 5G की बातें करते हो, और 5G की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि क्योंकि इंडिया पे आ गया यार, इंडिया जो काम करता ना इनको बाद में वही काम करना होता है, इनको बुरे काम, अच्छे काम तो बहुत ही कम ये मानते कि भाई अगर इंडिया कुछ अच्छा कर रहा है पढ़ाई के मामले में, इनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने बम पेलने हैं, ठीक है, क्या एजुकेशन देना है कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, आपकी क्या राय है, पाकिस्तान में 5G कब तक आएगा, और वो खुद लेके आएंगे या फिर चाइना पापा उनको दिलाएंगे, तो इस बारे में कमेंट जरूर करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर से जरूर लिख देना दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप जय हिंद लिखते हो। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।